तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लिस्ट गेमिंग में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पांच मॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें लगाने के बाद आपका माइनक्राफ्ट का फिजिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ। तो पहला शाउट आउट जाता हैप्पी भाव को और दूसरा जाता है अल्फा प्लस गेमिंग को। तो मैं इन लोगों को आज का शाउट आउट देना चाहता हूँ। तो अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में शाउट आउट लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को अगले वीडियो में जरूर शाउट आउट दूंगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन कि आप लोग को पहले एक्सपेरिमेंट गेम प्ले का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर लेना है, वरना ये एड ऑन आपके में अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो उसे ऑन कर लीजिएगा याद से, और मैं सारे मोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मोड्स हैं। आइए तो सबसे पहले मैंने नेचुरल एक्सपेंशन वाला मोड लगाया इस वर्ल्ड में, और देख सकते हैं इसे लगाने के बाद यहाँ पे एक चिड़िया जैसा क्रिएचर है, और यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, आप देख सकते हैं इन पेड़ का कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है, और ये बिल्कुल अब अलग लग रहे हैं, इनका फिजिक्स बिल्कुल अलग हो गया है, ये बिल्कुल अब रियल लाइफ जैसा लग रहे हैं पेड़। और इसमें आपको कुछ गिलहरियाँ भी देखने को मिलेगी, ये अलग तरीके से है गिलहरियाँ। और इसमें आपको नदी के कोने में ये कोकोनट का ट्री भी देखने को मिलेगा, और उनसे फल भी निकलेगा जो कि कोकोनट और चेरी है। और दूसरा एड ऑन जो मैंने लगाया वो एम्बियंट टॉर्च लाइट है, इस वाले मदद से आप लोग अगर हाथ में भी टॉर्च लाइट पकड़ेंगे तब भी आप लोग अंधेरे में देख सकेंगे। तो ये कितने ज़्यादा अच्छा एड ऑन है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप एक ही एड ऑन से बहुत सारी माइनिंग कर सकेंगे। और अगर आप लोग टॉर्चेस को अगर फेंक देते ज़मीन में तो ये बुझ जाएंगे टॉर्चेस। तो उसके बाद आता है आइटम फिजिक्स। तो इस वाले मोड में अगर आप लोग कोई भी आइटम फेंकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं उसका फिजिक्स कितना ज़्यादा चेंज है, मतलब वो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से नीचे गिरा हुआ दिखेगा, और आप लोग उसे लात मार के घिसका भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको उन्हें उठाना है तो आपको बैठना होगा उसके सामने जाके, तब ये आपके वापस आ जाएगा आपकी इन्वेंट्री में। और ये वाला चीज़ सिर्फ सिंगल आइटम से होगा, अगर मल्टीपल स्टैक वाले आइटम है तो ये नहीं गिरेंगे ऐसे, ये सिर्फ सिंगल पे वर्क करेगा। और उसके बाद आता है बेटर मॉब एनिमेशन एड ऑन। तो इस वाले में आप देख सकते हैं कि आप लोग हर मॉब का एनिमेशन थोड़ा सा चेंज लगेगा और थोड़ा सा बेटर लगेगा, आप देख सकते हैं कि ना अच्छी तरीके से चल रहा है। ऐसा सारे आपको मॉब्स में देखने को मिलेंगे, ये विलेजर देख सकते हैं हाथ नीचे करके कैसे दौड़ रहा है, पहले हाथ ऊपर ही किया रहता था। और आपको इसमें सारे विलेजर्स या फिर सारे मॉब्स का ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये क्रीपर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से अब चलेगा रियलिस्टिक तरीके से, और जॉम्बी का तो बात ही नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा वो लंगड़े के चल रहा है। और यहाँ पे ये स्पाइडर है। और उसके बाद आता है 3G थ्रोवेबल आइटम्स। तो इस वाले एड ऑन में आप लोग कोई भी थ्रोवेबल आइटम को अच्छे से फेंक सकते हैं एकदम 3G तरीके से, जैसे कि मैं इसे फेंकता हूँ बोतल ऑफ इंचेंटिंग को, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से 3D तरीके से जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपको काम आएगा, ये बिल्कुल देखने में भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं स्नोबॉल, और ये एक देख सकते हैं कि ना अच्छा तरीके से जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहें। तब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।